आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। छत्तीसगढ़ में शायद सड़क की स्थिति कहीं कहीं अच्छी हो, लेकिन रेसोरा से पैकिन किनकारी डैम की नहर रोड आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बनी और इतनी जर्जर है कि किसानों के कृषि वाहन के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बेगिंडी, जटियापाली, अमोदा के छात्र छात्राएं स्कूल के लिए रेसोरा, लेंद्रा हाई स्कूल पढ़ने इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। बारिश के दिनों में कभी गिरते हुए स्कूल में अनुपस्थित होते हैं तो कभी गिरकर चोटिल होते हैं। नहर का पानी रोड के ऊपर बहता रहता है तो सोचिए बारिश के दिनों में क्या हाल होता होगा। आम लोगों का कहना है, नहर से संबंधित विभाग नहर की रिपेयरिंग के लिए जो रकम निकालती है आखिर वो रकम खर्च करती है या डकार लेती है, समझ से परे है। वो इसलिए कि यदि इस रोड पर खर्च हुआ होता तो थोड़ा बहुत रोड की स्थिति ठीक ठाक दिखाई देती। छत्तीसगढ़ की सरकार निश्चित रूप से सीसी रोड ग्रामीण क्षेत्र में बनाकर वाहवाही बटोर रही है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधीन इस रोड को क्यों नजरअंदाज कर रही है। बैगिंडी में सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये सीसी रोड निर्माण विधायक मत से 2 लाख का स्वीकृत हुआ है और समग्र विकास मत से 5,20,000 का स्वीकृत हुआ है, जो 2-3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। और हम लोग सीसी रोड का निर्माण समस्त ग्रामवासियों को बुला करके उनके अनुसार ये सीसी रोड को किया जा रहा है। हम लोग सरपंच का इसमें भूमिका नहीं है, इसमें ग्रामवासियों और पंच लोग अपने स्वयं से करवा रहे हैं और ये सीसी रोड को अपने हिसाब से करवा रहे हैं। तो विधायक जी का सहयोग है इसमें? जी, विधायक जी का विधायक मत से 2 लाख रुपए लिए हैं और इसके पहले भी 2 लाख का यहाँ सीसी रोड निर्माण हो चुका है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। वो जब से बना है वैसे ही जर्जर पड़ा है, बहुत असुविधा हो रहा है। यहाँ से रिसोरा से अमुदा तक हमको जाना आने में बहुत तकलीफ है। मेन रोड नहीं है अभी, तो नहीं ये बन जाता तो बहुत अच्छा होता। बरसात में तो बहुत तकलीफ होता है। तो आप लोगों को क्यों तकलीफ होता है आने जाने में? खेती किसानी के लिए, गांव जाने के लिए, जो बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत परेशानी होता है। बच्चों को तो और तकलीफ होता है, जैसे जाते हैं हिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर सुरा जाते हैं तो बहुत तकलीफ, गिर जाते हैं रोड में, वापिस आना पड़ता है स्कूल जाने में लड़कों। तो इससे कभी आप कभी कोई आवेदन दिया हो किसी जनप्रतिनिधि या संबंधित विभाग को? मुखाग्र तक कहा गया है तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं दे रहे हैं, ध्यान देते तो अच्छा होता। अभी जो काम हो रहा है, अभी सब तरफ काम हो रहा है सड़क का, तो अभी हो जाता तो हमको बहुत खुशी होती। हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो अपना नहर रोड है वो बहुत बिगड़ चुका है, उबड़ खाबड़ हो चुका है, इसीलिए नहर रोड को भी थोड़ा देखा जाए। तो ये तो सरपंच के अधीन ही रहता है, लेकिन सरपंच निश्चित तौर पर उनके ऊपर दबाव डाल के या फिर उनको आग्रह करके ये रोड बना सकते हैं। जी जी। और तो आपको क्या समस्या होती है इस रोड से? हमको बहुत समस्या हो रहा है ये रोड में। अपने बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ स्कूल भी नहीं पहुँच पा रहे हैं कभी बरसात में, और रास्ते में गिरे पड़े घर के वापस आ जाते हैं। हर कोई बहुत असुविधा हो रहा है उसमें, खेती किसानी के लिए बहुत असुविधा हो रहा है उसमें। बरमकेला से सुवर्ण भोई की रिपोर्ट।